आज पारस सर यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये इनका काम करने का तरीका क्या है, इन सारे बातों को लेकर जो आपको मोटिवेट करेंगे, तो पूरा इनको जोरदार ताली के साथ इनका हौसला को अफजाई करेंगे। जबकि उसको 18 तारीख तक 1100 गिर करके 2200 करना था या फिर 3000, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाया, एजुकेशन। और पूरे महीना दिन से ट्रेनिंग मिल रहा था, जूम में मीटिंग में मिल रहा था या फिर ऐसे ट्रेनिंग पूरा में व्हाट्सएप में हर जगह उसको दिया जाता है, लेकिन लोग ना व्हाट्सएप खोलते हैं ना जूम में अटेंड करते हैं। इसी कारण क्या होता है, लोग सीख नहीं पाते। तो एजुकेशन बहुत बड़ा चीज है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा से बड़ा कंपनी आज टिका हुआ है ना, तो एजुकेशन, जो अपने टीम में सबसे ज्यादा एजुकेशन देगा, जो अपने टीम में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग देगा, जो अपने टीम में सबसे ज्यादा मीटिंग करेगा, जो टीम में एजुकेशन होगा वो टीम और वो लीडर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम कहां टिका हुआ है, एजुकेशन पे। अब वो व्यक्ति का टीम में क्या हुआ, लीडर को भी एजुकेशन, अगर आप लीडर खुद मीटिंग अटेंड नहीं किया जूम मीटिंग तो टीम को भी सिखाता। लोग क्या करता है ना, लीडर अटेंड नहीं करता है ना तो टीम को भी नहीं बताता है। इतना कोई आदमी को पैसा का क्या उम्मीद करता है बताइए, जब वो खुद अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो अपना जूनियर को तो करा दो, कम से कम वो सीखे। तो अपने भी नहीं किया और जूनियर को भी नहीं कराता, उसको पैसा की क्या चाहत है। मान लीजिए प्रीतम पांडे कहेगा मेरा पैसा नहीं आ रहा है, हम कहते तू काय दिन मीटिंग किया तब तेरे को पैसा मिलेगा, बता। हाँ, जब तुम पूरे महीना दिन में एक वो मीटिंग नहीं किया तो तुम पैसा के क्या उम्मीद कर रहे हो, काय पैसा खोज रहे हो जब मीटिंग नहीं किया है। पूरे महीना दिन में अगर पांचों को मीटिंग करता ना भाई तो उसका पांचों का मिल जाता। हाँ, पूरा महीना दिन बीत गया पांच को मीटिंग नहीं किया तो फिर काची का पैसा खोज रहे हो, मुझे समझाओ। हाँ, जब किया ही नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है, मतलब जो है आम लगा दिए और फल लग गया तो खाएंगे। भैया उस आम को भी फल लगाना, उसको भी तोड़ने के लिए जो है ना चलना पड़ता है, पत्थर लगाना पड़ता है, ढेला लगाना, मेहनत करना ही पड़ता है। और हम क्या टीम लगा दिए, उसको सीखेंगे नहीं, उसको मीटिंग नहीं देंगे, उसको एजुकेट नहीं करेंगे तो पैसा आएगा। हम लोग कितना आराम से कह देते हैं कि पैसा नहीं आता। वही व्यक्ति अगर कहीं पे 10,000 का नौकरी करता तो बस ऑफिस जाते, जी सर। साला तुम वहां खाली जी सर करके टाइम बर्बाद कर दो, पूरा आठ घंटा। और कोई भी दिन अगर उसका एक दिन भी काम नहीं किया तो उसका पैसा उसको नहीं मिलता। और यहां पे 5 दिन काम करेगा और 30 दिन का पूरा पे आउट खोजेगा। 30 दिन कैसा पे आउट देखता है, 5 दिन काम किया और पे आउट निकालेगा, उस दिन देखेगा सर पैसा इस बार कम आया, तो पूरा महीना दिन का पैसा को जोड़ रहा है। तुम किया कई दिन, 5 दिन। तो हम हमेशा बोलते एजुकेशन। अगर ना लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों करता है पता है, एक बार अगर सही तरह से ट्रेनिंग दे दिए, एक बार सही तरह से टीम को एजुकेशन दे दिए, तो आप एक बार केवल कर देंगे और बैठे भी रहेंगे तो पैसा आएगा पूरा लाइफ टाइम। लेकिन उसके लिए टीम को क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा टीम में ऐसा भी हो रहा है कि हम काम नहीं कर रहे उतना तो भी मेरा नीचे काम हो रहा है। तो हमने जैसे राजेश जी को ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखा दिया, अब हम नहीं भी यहां मीटिंग दे रहे तो दे रहे क्यों, महिराम जी दे रहे, शिबू जी दे रहे। आप अपने टीम में देखिए कितने लोग ऐसे हैं कि आपके नहीं रहने पे भी काम करेगा और आपके नहीं रहने पे भी मीटिंग देगा, आपके नहीं रहने पे भी आपका वो करेगा। कितने लोग, क्योंकि दुनिया का जितना भी बड़ा से बड़ा एमओए चाहे मोदी केयर जिसका भी नाम ले लो, अगर कोई भी जगह कहीं कोई पैसा कमा रहा है वहां एजुकेशन। और हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन से भागते हैं, ड्रामा करते रहते हैं। और हमने गलती से लीडर नहीं आता,
तो लीडर में और एक बीमारी है, खुद नहीं जा रहा है तो जूनियर को भी, हम तो नहीं जा रहे हैं उसको कभी भी जो है ना, अगर आप नहीं जा रहे हो हम पहुंच रहे हैं, तुम पहुंचो जल्दी, ऐसे करके पहुंचाओ उसको, आप नहीं भी आ रहे हो लेकिन उसको ट्रेनिंग दो। तो आज हम सभी के बीच में एजुकेशन से भागेंगे तो लास्ट में कंपनी छोड़ेंगे, प्लान देगा नहीं, प्लान करेगा नहीं, भारी लगेगा एक दिन उसको, यही चीज को क्या लगेगा, भारी, और लास्ट में कंपनी छोड़ देगा। हम हमेशा भी कहते थे कि भरोसा खुदा पर है, भगवान से भरोसा करके बैठे हुए, अरे ऊपर वाला पैदा किया तो खाने के लिए देगा, देगा काहे नहीं देगा, भीख मंगा को भी दे रहा है, दे रहा है, पैदा हुआ है तो उसको खाने के लिए मिलेगा ही, लेकिन मिलेगा कितना, वो जो कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा है तो उतना ही मिलेगा जितना लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ उतना मिलेगा, हाँ किस्मत में बोलते हो ना किस्मत में जो लिखा हुआ है मिलेगा, हाँ मिलेगा उतना ही मिलेगा, लेकिन जिसको खुद पे भरोसा है, खुदा पे नहीं, किस पे, खुद पे, उसको खुदा रोज वो लिखेगा जो उसको जो चाहिए, मतलब जो मन में इच्छा है ना, मान लीजिए आपको इच्छा है कि आपको ये चाहिए तो वो मिलेगा, अगर भरोसा किस पे होना चाहिए, खुद पे, लेकिन जिसको खुदा पे है, भगवान पे, तो भगवान पे है तो भगवान जो लिख दिया उतना रोज मिलेगा। तो आज के बाद किस पे भरोसा होना चाहिए, अपने कर्म पे, जो अपना कर्म करेगा ना उसी का फल मिलेगा, इसीलिए सब कुछ हासिल इस दुनिया में नहीं होता ना जिंदगी में, काश मगर सब रह जाता है, किसी का हर चीज पूरा होता है, बोले सब चीज किसी का पूरा होता है, कुछ भी कर सफलता भी मिलेगा तो भी काश, असफलता भी मिला तो भी अगर मगर किंतु रहता है कि नहीं रहता है, जिंदगी में हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है, अगर लाइफ में काश मगर इस सब को हटाना है तो एलेक्स का आपने सही से प्लान देखा होगा, एलेक्स के बारे सही से समझा होगा तो सब चीज खत्म हो जाएगा, कंपनी का फैक्ट्री है जहां से प्रोडक्ट बनता है, और इसके लिए सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पर हाथ उठाइए सारे लोग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार हाथ उठाइए बढ़िया से और बोलिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे पैसा नहीं मिलेगा, समझ में आया, यानी एजुकेशन क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग से, एजुकेशन कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग से, अब कौन देगा, सीनियर देगा, कौन देगा, सीनियर, आपको सीखना पड़ेगा या फिर जो जानता उसे सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा या फिर जो जानता है उसे सीखना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ जितने बैठे हैं, एलेक्स के पूरा मतलब एलेक्स का फैक्ट्री कहाँ, एलेक्स का कैसे प्रोडक्ट बनता होगा, ये सब सारा चीज कितने लोग जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं भैया, हम तो एलेक्स के बारे पूरा नहीं जानते हैं, हम अभी भी सिले जयपुर जाते रहते हैं कि नया नया सीखे, हम अभी भी नहीं जानते पूरा, नया नया रोज सीखने के लिए हर दिन नए पर जाते हैं, इस महीना भी जाना था तो बुखार थे तो नहीं जा पाए, और आप क्या है, हम तो सब जानते, और आप क्या है, हम तो सब जानते हैं, कहाँ है, एक दिन भी महीना में एक बार जयपुर जाएंगे नहीं, तो पैसा लग जाएगा सर, भाड़ा ज्यादा लगा सर, कैसे टाइम नहीं है, और हम लोग ट्रेन नहीं मिलता है तो फ्लाइट में जैसे प्लानिंग बनता है तुरंत कटाते हैं, तो भी कम से कम 6,000 लगता है खाली जाने का, और आने का कितना, 12,000 खाली आने जाने में खर्चा करते हैं, काहे सीखना है, और आप, हम तो सब जानते, एक मीटिंग आया दूसरे मीटिंग में जैसे फोन किया लीडर, पिछले बुधवार तो गए थे सर, और क्या होगा नया,
पिछले जो जो बताया तो वही बताएंगे। अच्छा, मतलब सब जानते हैं और यही जो है हमारा दिमाग में बैठा हुआ, हम सब जानते हैं। और ये जो बीमारी है इसी कारण से वो जो निकावत है MBA बहुत बड़ा डिग्री, लेकिन यहां उल्टा है, MBA मुझे बहुत आता है ना, हम सब जानते हैं। अच्छा, कई लोग तो एलेक्स में जुड़ के, हमको ये समझ में नहीं आता है, जब एलेक्स में आपने आईडी लगा दिया तो रोज नहाता है कि नहीं नहाता है? अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो महीना में एक दिन नहीं नहाता है? बताइए, नहाता है? तो अगर एक साबुन भी लेगा ना एलेक्स का, एक साबुन भी लेगा एलेक्स का, तो 5 बीघे भी तो आना चाहिए। कुछ लोग का तो पूरा सारा 2 महीना में एक बीघे नहीं होता है, तो 2 महीना तक नहाया नहीं खाता। 2 महीना में नहीं नहाया था क्या? और एक पेस्ट भी खरीदेगा, एक पेस्ट भी खरीदेगा तो पेस्ट का भी 25 है, तो 2 महीना में एक बार भी मुंह नहीं धोया था क्या? तो काहे नहीं दीदी आता है? उसको आपने एजुकेट नहीं किया है, उसको बताया नहीं कि बाजार का जो साबुन है वो टॉयलेट सोप है, बाजार का साबुन से तेरे को चर्म रोग होगा, बाजार का साबुन से तेरे को बीमारी होगा, बाजार के साबुन से स्किन डिजीज होगा, इसलिए बाजार का साबुन को बंद करो और एलेक्स का प्रोडक्ट यूज करो, इतना भी सिखा दिया होगा तो प्रत्येक दिन एलेक्स का साबुन से ना एजुकेशन टीम में जो ज्वाइन किया उसको क्या चाहिए? एजुकेशन। लेकिन हम क्या देते हैं उसको? एजुकेशन। बोलिए, देते हैं? और नहीं देते हैं, इसी कारण से वो बाजार का साबुन यूज करता है। अगर आपके टीम में 10 आदमी भी जुड़ा है और हर महीना में अगर एक साबुन का भी बीवी नहीं आ रहा है, तो समझ लेना तुमने या तो उसको एजुकेशन नहीं दिया है या तो जबरदस्ती गधा जैसा कोई आ रहा है।